आपको लिमिटेड स्पेस ही मिलता है आपको जो है वहां पर लिखने के लिए और राइट एंड आपको एक्स्ट्रा शीट भी नहीं मिलती है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है अमित मोहन सिंह गुड इवनिंग गुड इवनिंग मयूर और कौन कौन है मेरे साथ लाइव अगर आप लाइव है जल्दी से आप टाइप इन कीजिएगा एंड मेरे को बताएगा कि आप लोग लाइव हो चुके हैं एंड ये सेशन आप लाइव देख रहे हैं और राइट तो जल्दी से टाइप इन करते रहे एंड मेरे को बताते रहे दैट यू आर लाइव साथ ही शेयर द सेशन लाइक और शेयर भी कीजिएगा सेशन को विनय जय हिंद राइट सोटेल मी हाउ योइंग प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि के लिए आपका आपका जो है काफी कम समय बचा है गुड इवनिंग हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन कैसी आपकी तैयारी चल रही है और किस तरीके से आप जो है अपने आप को कहां पर सोच रहे हैं कि आपका स्टैंड कहां पर है इस बार राइट तो जल्दी जल्दी टाइप इन करते रहे मेरे को बताते रहे कि आप लोग लाइव हो चुके हैं साथ ही साथ मेरे को बताएगा आपकी प्रिपरेशन के बारे में लेकिन विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे की तरफ चलेंगे सुपर बहुत अच्छी बात है शिया और राइट आगे की तरफ चलेंगे हम बात करेंगे आपका विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है जबरदस्त बहुत अच्छी बात है तो जबरदस्त सी होनी चाहिए तैयारी ग्रेट बहुत अच्छी बात है साक्षी और राइट तो इसी तरीके से तैयारी करते रहे अपनी तैयारी में लगे रहे और एग्जाम आपके साथ हमेशा तैयार है ठीक है है आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम किसी भी चीज में प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा मेरे को बताइएगा जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा चाहे मेरा गला जो है वो जवाब दे जाए बट स्टिल आई वुड बी विद यू ठीक है और आपके जो सारे सेशन है वो आपके कंडक्ट करेंगे ठीक है डोंट वरी और तो जोश शुड बी हाई ठीक है जोश जो है वो हाई होना चाहिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बनाकर रखें और तैयारी में लगे रहें और राइट जय हिंद एंड प्रीति जय हिंद गुड ओके गुड एंड सोनू गुड इवनिंग और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन विश्व विकलांगता दिवस किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन है तेरह नवंबर तीन दिसंबर सत्ताईस सितंबर या फिर सत्रह अक्टूबर बताइएगा जल्दी अपने आंसर दीजिएगा जल्दी आंसर दीजिएगा वॉट अ ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म बिल्कुल और आप भी जब आप, एफ को जो है क्लियर कर लेंगे यू वुड बी वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म और राइट सो जल्दी बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपने आंसर देते रहे और मेरे को बताते रहें, right रहे वॉट शुड बी द राइट आंसर ओवर या इट वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर करते रहे एंड अपने आंसर देते रहे मेरे पास पहला जवाब आया है अमित का बी एंड वी हैव अनदर आंसर नीलू थर्टीन तीन दिसंबर अमित ने बोला है अंकित हिंद एंड सिद्धार्थ सिंह थर्टीन नवंबर ऑलराइट तीन दिसंबर ओके तो so, नहीं इसका आंसर ही आपका आपका होगा बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा World Disability Day जो है वो आपका celebrate होता है observe होता है वो होता होता को आपका जो है और right, भी नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया ज्वाइंट वासेनार एग्रीमेंट इन विच ईयर भारत किस वर्ष वासनार अरेन्जमेंट में आपका जो है शामिल हुआ दो हजार 18 या फिर उन्नीस बताएगा इसका राइट right आंसर क्या होगा वॉट वुड बी द राइट आंसर अपने आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा क्योंकि आज हम जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं right, तो जल्दी से आंसर आंसर दीजिएगा मेरे को बताएगा इसका राइट right क्या होगा किस वर्ष में वासिनार में वासिनार अरेंजमेंट भारत शामिल हुआ 2016, 17, 18 या फिर उन्नीस ज्यादा टाइम नहीं लेना है और बिना ज्यादा टाइम लिए आपको अपने आंसर्स यहां पर कमेंट करने हैं चैट बॉक्स में आपको मेरे को बताना है राइट right आंसर क्या होगा और राइट right, तो जल्दी से बताएगा इसका राइट right आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताएगा डिसेबिलिटी और बेटा इज डिफरेंट डिसेबिलिटी का मतलब था और और का मतलब इसका इसका क्या क्या होगा आपके सामने हैं जल्दी से होना चाहिए यहां पर मेरे पास आंसर आ रहे हैं ए और बी में कंफ्यूजन है लेकिन मैं आपको बता दू इसका आंसर होगा टू ठीक है दो में इंडिया जो है उसने आपका जो है अगर मैं बात करूं आपका वासनार अरेंजमेंट को आपका जो है इसमें शामिल हो गया था अरेंजमेंट वो आपका ग्रुप है जहां पर आपका जो कंट्रीज है वो एक दूसरे को आपका जो है आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स वगैरह जो है है वो आपका दैट इज देयर ठीक एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं आर्म्स जो है वो आपका दे सकते हैं जैसे आपका एनएसजी है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है और एम यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है और इस अरेंजमेंट में आपका जो है इंडिया शामिल हुआ था, था, था दो में और चलिए नेक्स्ट इज एज द अवेकनर ऑफ इंडिया भारत में अवेकनर ऑफ इंडिया के रूप में किसको मान्यता प्राप्त है ऑप्शन है और घोष या फिर स्वामी विवेकानंद बाल गंगाधर तिलक या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड बी राइट आंसर जल्दी बताएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए वॉट शुड बी राइट आंसर ओवर और अवेकनर ऑफ इंडिया किसको माना जाता है बताएगा शुड बी राइट आंसर ओवर और हिमंत घोष स्वामी विवेकानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुकुंद जय हिंद और right, राइट तो जल्दी टाइप इन करते रहे मेरे को आंसर बताते रहे एंड डू नॉट टू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर भी करते रहे सेशन को और राइट right? <coughs> तो बताइएगा राइट right आंसर क्या होना चाहिए अवेकनर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है देखते हैं राइट आंसर कौन दे रहा है मेरे को जल्दी से अपने आंसर देते रहेगा मेरे को बताते रहेगा यहां पर काफी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं सोनू साक्षी अन प्रीति ने बी बोला है हिमांशी ने सी बोला है हीनल का भी आंसर भी है शिया का भी बी है तो मैं आपको बता दूं बेटा बी एज एंड करेक्ट इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक दैट इज द राइट आंसर ठीक है तो बाल गंगाधर तिलक को ही आपका जो है अवेकनर ऑफ इंडिया जो है उनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट और साथ ही साथ ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है इंडियन नेशनलिस्ट है इंडिपेंडेंस साथ एक्टिविस्ट साथ भी आपका रहे और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ही स्वराज मेरा जनसिद्ध जनसिद्ध अधिकार है इसका नारा दिया था ठीक है और इसी के साथ इन्होंने जो है स्वराज की मांग भी आपका जो है की थी ठीक है इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ये जो है आपका लोकमान्य और मराठा केसरी के तौर पे भी जाने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आज क्वेश्चन थोड़े हार्ड है नहीं शुरुआत में लग रहे हैं अभी आप प्रैक्टिस में नहीं हो ना ठीक है जब शुरुआत में आपके जो क्वेश्चंस आप तीन चार क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर वो जो होता है ना एक यू रन फॉर अबाउट लाइक हाफ एन किलोमीटर तो फिर उसके बाद बॉडी गर्म होती है उसके बाद फिर आप कितना ही दौड़ते चले जाओ ठीक है तो इसलिए अभी जो है स्टार्ट हुआ है दैट्स यू आर फीलिंग लाइक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट पर्सन न्यूज इन इंडिया मिरातुल अखबार वॉ स्टार्टेड बाय भारत में पहला फारसी अखबार मिरातुल अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था ऑप्शन रॉय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ठीक है बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए व्हाट शुड द राइट आंसर पहला पर्शियन पेपर पर्शियन न्यूज़पेपर आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था दादा भाई नारोजी डब्ल्यूसी बनर्जी राजा राम मोहन रॉय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर राइट right, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा जल्दी से अपने आंसर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉर टू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर भी करते रहे साथ साथ डू लाइक एंड शेयर द सेशन एज वेल और क्वेश्चन नहीं है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल सही बात है राइट right. तो बताइएगा इसका राइट right आंसर क्या होना चाहिए वर्ड शुड राइट आंसर ओवर है और यहां पर काफी सारे आंसर आ रहे हैं ए लेकिन मेरे पास जो सही जवाब आया है वो आया है अभी तक अमित और साथ ही साथ साक्षी शिया ने भी सही जवाब दिया अमित ने भी सही जवाब दिया है विनय और गुरप्रीत ने भी सही जवाब दिया राजा राम मोहन रॉय ठीक है जो पहला पर्शियन पेपर था मिरातुल अखबार राम मोहन रॉय द्वारा आपका जो है शुरू किया गया था और साथ ही साथ इसमें इनकी हेल्प की थी इनके फ्रेंड थे जिनका नाम था जेम्स सिल्क बकिंगम इन्होंने जो है इसकी हेल्प की थी इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने के लिए वीकली बेसिस पर आपका स्टार्ट हुआ था एटीन

ट्ट भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है तमिलनाडु कर्नाटक केरला या फिर महाराष्ट्र बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वुड बी राइट आंसर की हम बात कर रहे हैं कौन से राज्य में आपका फोक डांस है ये आपको यहां पर बताना है <coughs> बताएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से अपने आंसर देते रहे डू नॉट फॉर टू लाइक एंड शेयर द सेशन एज वेल और यहां पर अपने आंसर भी चैट बॉक्स में आप मेरे को बताते रहे और रहें। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा और यहां पर मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं वी आर गेटिंग तमिलनाडु तो यहां पर बिल्कुल तमिलनाडु करेक्ट है।, जो है वो आपका दैट इज देर इन तमिलनाडु मेजरली आपका अगर मैं बात करूं आपका तो मदुरई त्रिनवेली त्रिचापली में आपका जो है ये फोक डांस परफॉर्म किया जाता है इसमें आपका जो है प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट जिसको कि यूज किया जाता है जिसका नाम है थाविल और थाविल जो है ये बैरल शेप इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है और यहां पर जो ओयलाटम है इसमें आपके रामायण और महाभारत से लेकर आपकी जो कहानियां हैं उनको पोर्ट्रे किया जाता है और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज नॉट बिलोंग टू इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली निम्न में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है मुंडा पंजाबी डोगरी या फिर असामी आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड बी राइट आंसर इनमें से कौन सी आपका जो लैंग्वेज है वो आपका इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं है बताएगा सही जवाब क्या होना चाहिए वॉट शुड बी राइट आंसर ओवर एयर जल्दी अपने आंसर देते रहे मेजोरिटी अट्टम, अट्टम, तमिलनाडु uh, ही होता है ओके okay. और बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड बी राइट आंसर डी शायद ओके okay. बताएगा सही जवाब क्या होगा यहां पर वॉट वुड बी राइट आंसर असामीज काफी सारे बच्चे यहां पर असामीज कह रहे हैं दिग्विजय ने है, यहां पर डोगरी भी बोला है और राइट right, तो यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा असामीज और आपका जो है डोगरी पंजाबी ये सभी आपका इंडो आर्यन है ठीक है ये सभी आपका इंडो आर्यन फैमिली है और अगर मैं बात करूं आपका मुंडा मुंडा जो है ये आपका जो है इट इज नॉट अ इंडो आर्यन लैंग्वेज आपका जो है आ, इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं है है ना तो अगर मैं बात करूं आपका इन सभी में पंजाबी डोगरी असामी ये मेजरली आपका जो है नॉमी बोली जाती है लोगों द्वारा मुंडा जो है वो आपका ट्राइबल ग्रुप में आपका आता है और अगर मैं बात करूं ये इंडो आर्यन का लैंग्वेज फैमिली में नहीं है इंडो आर्यन में आपका हिंदुस्तानी आती है बंगाली है पंजाबी मराठी गुजराती भोजपुरी उड़िया मैथिली सिंधी ये सभी आपका जो है इंडो आर्यन फैमिलीज में है और राइट तो ये सारे ही सारे इंडो आर्यन में आती है ए वुड बी द राइट आंसर मुंडा बेसिकली right, आपका जो मुंडा ट्राइब्स है ठीक है वो आपका जो है बोलते हैं नाम पहली बार सुना है मुंडा मुंडा एक इतनी बहुत बड़ी आपका ट्राइब है ठीक है काफी बड़ी जनजाति है मुंडा मुंडाइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुंगल एंड पावा आर द फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑर दूरी बंगला या पावा निम्न से किस राज्य के लोक संगीत वाद्य यंत्र है वेस्ट बंगाल कर्नाटका उड़ीसा एंड गुजरात बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड बी राइट आंसर तुरी बंगला और पावा किस राज्य के लोक संगीत वाद्य यंत्र है यह आपको बताना है ओके यू आर मैथिली ऑल राइट यस मुंडा इज अ ट्राइब आपका जो है मेजरली जो सेंट्रल इंडिया है सेंट्रल इंडिया में आपके पाए जाते हैं मुंडास ऑल राइट बताएगा राइट right आंसर क्या होगा वॉट वुड राइट आंसर तूरी बंगला साथ ही साथ आपका पावा इनमें से आपका जो है कौन से राज्य के आपके संगीत वाद्य यंत्र है फोक आ, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यहां पर काफी बच्चों ने यहाँ पर देखा बुंगल या फिर आपका बंगला ठीक है बंगला देखकर सभी बच्चे मांग कर रहे वेस्ट बंगाल कि भाई बंगला आ गया है तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से संबंधित होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है यहां पर जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी गुजरात इसका राइट आंसर है गुजरात ध्यान रखना बेटा तूरी बुंगल और जो पावा है ये आपका गुजरात से संबंधित है ठीक है गुजरात में आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और अगर हम बात करें गुजरात में आपके बहुत सारे डांस फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं गरबा है डांडिया है, है साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका पदर है फिर डांगी टिप्पणी ये आपके जो है वहां पर डांस फॉर्म्स हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे भजन और हवेली संगीत भी यहां पर आपके जो है वो आपके गाए जाते हैं और नवरात्रि यहां पर फेमस फेस्टिवल है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ हु इज नोन एज द फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम इन इंडिया बहुत इजी भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम के शिवन या फिर जी सतीश रेड्डी या फिर विक्रम सारा भाई बताएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए वट शुड बी राइट आंसर ओवर जल्दी से अपने आंसर दीजिएगा मेरे को बताएगा सही जवाब क्या होगा वेरी इजी क्वेश्चन इससे इजी क्वेश्चन आज का नहीं हो सकता है और right, तो राइट right आंसर क्या होगा यस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और राइट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको की मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिल्कुल सही जवाब है यहां पर ठीक है मेरे को नया नेक्स्ट क्वेश्चन मिसाइल वुमेन का नाम बताइए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया इसका नाम क्या नाम है इनका बताइएगा इनको कौन नहीं जानता बिल्कुल और इनको भी कौन नहीं जानता मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया का नाम भी मेरे को यहां पर बताएगा साथ साथ मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है जल्दी से टाइप इन कीजिएगा चैट बॉक्स में और मेरे को बताएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉलिंग है ना इसको क्या कहा जाता है इसको आपका जो है रिविजन टेक्निक में ए, एक्टिव रिकॉलिंग कहा जाता है मैं बहुत जल्दी आपके सामने जो, ए, जो है जो रिविजन है उसके आपका जो है आई कम विद यू नो आपके जो स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स है उनके साथ मैं आपके सामने आऊंगा आपको बताऊंगा रिवीजन कैसे करना है लेकिन जब भी भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता है कि भाई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है तो आपको एक्टिव रिकॉल करना है और उससे जुड़े हुए आप जो है डिफरेंट क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान में रखना है और उनको रिकॉल करना है एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉलिंग बिल्कुल टेसी थॉमस इज द राइट आंसर तो आगे मैं बात करूं आपका फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और इन्होंने जो है फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया था एस एल थ्री और इसके थ्रू जो है रोहिणी को आपका ऑर्बिट में पहुंचाया था इसी के साथ साथ भारत के ग्यारहवे जो है राष्ट्रपति भी आपका रहे हैं ऑलराइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो है जब हम एफ कैट की बात करते हैं कि भाई, और कर, 2023 इसको जरूर देखेगा वीडियो में आपको जो है वीडियो मिलेगी, आज नहीं तो कल ये आपका अपलोड हो जाएगी हाउ टू प्रिपेयर कंप्लीट जीके क्या क्या प्रिपेयर करना आपको में, है आपको तो जरूर

राइटर right, बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड बी राइट आंसर कब बहुत जल्दी मैंने बताया आज या कल आपको मिल जाएगी ये वीडियो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी स्ट्रेटिक राइट आंसर क्या होगा यहां पर वॉट आंसर बिल्कुल अगर हम बात करें यहां पर तो वी आर टॉकिंग तो तो अबाउट अरुणिमा सिन्हा बिल्कुल सही जवाब है यहां पर अरुणिमा सिन्हा दैट इज राइट आंसर और राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहां पर मैं आपको बता दूं अरुणिमा सिन्हा ये पहली ऐसी इंडियन माउंटेन क्लाइंबर है स्पोर्ट्स वुमेन है जो कि आपका शीजा एम्प्यूटी फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट को आपका चढ़ा एंड सेवन टाइम ये आपका जो है इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी है और साथ ही साथ माउंटेनियरिंग भी इन्होंने किया है <coughs> मैंने इनका सीरियल भी देखा है बिल्कुल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन सिटी डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर डूंगरपुर जोधपुर या फिर बुंदी बताइएगा इसका राइट right आंसर क्या होगा वॉट वुड यू राइट आंसर बताएगा गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है जैसलमेर दुंगारपुर या फिर जोधपुर या फिर बूंदी बताएगा जल्दी से अपने आंसर दीजिएगा व्हाट शुड बी राइट आंसर व्हाट वुड बी राइट आंसर गोल्डन सिटी के तौर पर किसका किसको माना जाता है या किसको कहा जाता है गोल्डन सिटी मैं आपको बता दूं यहां पर बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आपका जो है सैंड यहां पर जो सैंड है वो येलोइश कलर की है और वहां पर जब आपका जो सूरज चमकता है तो उससे जो आ, रेज आपका रिफ्लेक्ट होती है वो ऐसा लगता है जैसे गोल्डन कलर की रेज है और इसीलिए इसका नाम जो है वो आपका गोल्डन सिटी पड़ा हुआ है द राइट आंसर वुड बी ए जैसलमेर जैसलमेर यहां पर बिल्कुल सही जवाब है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो रेज रिफ्लेक्ट होती है वो आपका गोल्ड कलर की दिखाई देती है जैसलमेर का मतलब है हिल फोर्ट ऑफ जैसल और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है येलो सैंड और येलो सैंड स्टोन की वजह से आपका जो है यहां पर येलो इज गोल्डन टिंज जो है वो आपको मिलती है सिटी में और सराउंडिंग एरिया में और राइट तो राइट आंसर होगा जैसलमेर आंसर वुड बी ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन ओडिशा ठीक है आपको बताना इनमें से कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है ऑप्शन है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व संबलपुर एलिफेंट रिजर्व सोलितपुर एलिफेंट रिजर्व या फिर महानदी एलिफेंट रिजर्व बताएगा इनमें से कौन सा आपका जो है दैट इज नॉट देयर इन दी ओडिशा उड़ीसा में आपका जो है नहीं है ये आपको बताना है यहां पर जल्दी से अपने आंसर दीजिएगा मेरे को बताएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए वॉट शुड द राइट आंसर ओवर है बताएगा सही जवाब क्या होगा यहां पर जल्दी से आपने आंसर देते रहे मेरे को बताते रहे सही जवाब यहां पर क्या होना चाहिए व्हाट शुड द राइट आंसर ओवर एयर जल्दी से आपने आंसर दीजिएगा मेरे को बताएगा सही जवाब क्या है यहां पर इनमें से कौन सा ओडिशा में लोकेटेड नहीं है एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर भी करते रहे जल्दी बताएगा राइट right आंसर क्या होना चाहिए नदी यहां पर कंफ्यूज हो गए ठीक है यहां पर जो है समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया है ठीक है बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं बेटा इसका आंसर होगा सोनितपुर सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो है ये आपका उड़ीसा में नहीं है बल्कि इट इज देयर इन आसम ठीक है ये आपका कहां पर है ठीक है आज सब गेस्ट कर रहे हैं ओके ठीक है आपका अगर मैं बात करूं सोनितपुर का तो सोनीतपुर कामे, कामेंग सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश आज असम में है और ये आपका वहां पर लोकेटेड है ठीक है इट इज देयर इन असम नॉट इन ओडिशा बाकी सभी आपके उड़ीसा में लोकेटेड है ठीक है तो इसलिए आंसर क्या होगा द राइट आंसर वुड बी सी और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में आपका शुरू किया गया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ द एलिफेंट और इसके लिए आपका एलिफेंट रिजर्व जो है वो आपका क्रिएट किए गए थे राइट चलिए नेक्स्ट वेम्बली स्टेडियम इज लोकेटेड इन वेम्बली स्टेडियम कहां स्थित है लंडन वॉशिंगटन डीसी मैक्सिको या फिर आपका बीजिंग आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है वॉट वुड बी द राइट आंसर यस बिल्कुल विनय प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था ठीक है बिल्कुल सही है और बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा स्टेडियम आपका कहां पर लोकेटेड है लंडन वॉशिंगटन डीसी मैक्सिको या फिर बीजिंग जल्दी आपने आंसर दीजिएगा आप हाँ बिल्कुल गलत करने से ही सही होंगे जब आपको पता चलेगा क्या गलत कर रहे हैं तब उस पर ही आप मेहनत करेंगे है ना तो बिल्कुल सही बात है बताएगा वेम्बली स्टेडियम आपका कहां पर लोकेटेड है वेम्बली वैम्बली जो है वो आपका जगह भी आपका दैट इज देयर इन लंडन और लंडन में ही आपका ये लोकेटेड है तो ये वुन यहां पर बिल्कुल सही होगा वेम्बली स्टेडियम ये आपका लंडन में है 2007 में ये आपका शुरू किया गया था फुटबॉल स्टेडियम है और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर तो एफ ए का फाइनल भी आपका यहां पर खेला गया था मोस्ट आईकेनिक स्टेडियम माना जाता है वर्ल्ड फुटबॉल में और राइट चलिए नेक्स्ट विच आर ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था अर्जेंटीना जापान इजिप्ट या फिर ग्रीस आपको बताना है बहुत इजी क्वेश्चन है जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स आपके कहां पर जो है कंडक्ट किए गए थे जल्दी से बताएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है सोचने का भी जो है इसमें समय नहीं लेना चाहिए

और साथ ही साथ इस समय पर जो सबसे पहले जो आपके ओलंपिक्स थे इसमें चौदह देशों ने भाग लिया था जो सेकंड ओलंपिक थे से, वो 1900 में आपके पेरिस में आपके कंडक्ट किए गए थे ये भी ध्यान होना चाहिए ठीक है ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत बार पूछा गया है ठीक है अब नेक्स्ट बार नेक्स्ट बार अगर गया ऐसा क्वेश्चन मेरा जैसा बंदा बैठा होगा ना वो ये नहीं पूछेगा फर्स्ट वो पूछेगा भाई ये बता दो सेकंड कहां हुए थे ठीक है तो सेकंड वाज देयर इन पेरिस

तो डू वॉच दिस सेशन पक्का इसको जरूर देख लेना ठीक है बहुत हेल्प आपको करेगा अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें आपको करनी है और किस तरीके से रिमेनिंग टाइम पचास दिन बचे हुए उसमें आप कैसे टू प्लस स्कोर कर सकते हैं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा जुनको तबई वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बिलोंग्स टू बिच कंट्री माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुनको तबाई किस देश से थी और आपके सामने है चाइना नेपाल इंडिया या फिर जापान बताइएगा आपके जैसे लोग ही हार्ड निकालते हैं पेपर ठीक right. है बताइएगा इसका राइट राइट आंसर आंसर क्या होगा right तबई ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एफकाइट में और बहुत बार रिपीट हुआ है मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट पुड यू राइट आंसर कौन से देश से है जुनको तबई

जल्दी से अपने आंसर दीजिएगा मेरे को बताएगा सेकेंड टाइम ट्वाइस दो बार आपका जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला बंदा बन, कौन था चाइना इंडिया नेपाल जैसा नाम तो लग रही रहा और मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होना चाहिए यहां पर एंड डू नॉट फॉर्गे टू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर करते रहे यहां पर एक बार नहीं चढ़ा जा रहा है ये दो बार चढ़ चुके हैं और पहली बार ऐसा करने वाले कौन व्यक्ति थे बिल्कुल अगर हम बात करें आपका वी आर टॉकिंग अबाउट नवांग गोम्बू ठीक है ध्यान रखिएगा इसका आंसर नवांग होगा वर्ल्ड में आपका जो है दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे नवांग गोम्बू राइट नाइन में ये दो बार आपका माउंट एवरेस्ट पर फतेह पा चुके थे इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो 1964 में जो फर्स्ट नेपाली और इंडियन सिटीजन थे और थर्ड मैन थे आपके जो है नंदा देवी के समिट को जो है कैप्चर करने वाले नंदा देवी पर आप चढ़ने वाले और नेपाली इंडियन माउंटेनियर है नेपाली शेरपा ओरिजिन के नवांग गोम्बू राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द शास्त्र रामानुजनम प्राइज द फील्ड ऑफ शस्त्र रामानुजन प्राइज या पुरस्कार किस क्षेत्र में के योगदान में दिया जाता है मैथमेटिक्स डांस लिटरेचर या फिर केमिस्ट्री बताएगा राइट right आंसर क्या होगा वॉट वुड द राइट आंसर वट वुड बी राइट आंसर जल्दी आंसर दीजिएगा यूपीएससी का कुछ फिक्स नहीं है कि भी पूछ ले कौन हाफ क्लाइम करके नीचे आ गया right. नहीं नहीं ऐसा नहीं पूछेगी क्योंकि हाफ क्लाइम करके बहुत सारे बहुत सारे लोग जो है वो आपका नीचे आए होंगे और राइट तो आपको बताना है शास्त्र रामानुजन प्राइज आपका कौन सी फील्ड में दिया जाता है जहां पर रामानुजन आ गया तो दैट ही वॉज वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन तो ऑफकोर्स आंसर होगा मैथमेटिक्स तो आंसर हो जाएगा ए दैट इज द राइट आंसर बहुत अच्छी बात है यहां पर बहुत सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं दो में ये आपका जो है जो अवार्ड है इंस्टीट्यूट किया गया था ठीक है मैथमेटिक्स के फील्ड में और बेसिकली ये आपका जो है शनमुग आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी द्वारा दिया जाता है तो इसलिए आपका शास्त्रा रामानुजन प्राइज इसका नाम रखा गया है और राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोबल पीस प्राइज इन इंडिया निम्न से किस भारतीय नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त किया सीवी रमन मदर टेरेसा हरबिंद खुराना या फिर रविंद्रनाथ टैगोर आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड बी राइट आंसर फर्स्ट नोबल प्राइज इन इंडिया पहला शांति पुरस्कार नोबल प्राइज नोबल शांति पुरस्कार नोबल पीस प्राइज जो है वो आपका इंडिया में किसको दिया गया और right, तो जल्दी आपने आंसर दीजिएगा एंड डू नॉट फू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर करते रहे और अपने आंसर देते रहे मेरे को जल्दी से और राइट right, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट हम बात कर रहे हैं आपका बेटा पीस प्राइज की हम बात वी आर टॉकिंग अबाउट पीस तो शांति पुरस्कार जो है वो आपका सबसे पहला नोबल पुरस्कार जो है वो मदर टेरेसा को दिया गया ठीक है ये भी देखिएगा कि किसकी हम बात कर रहे हैं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर अ स्टेट बटरफ्लाई राज्य के तितली घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला या फिर कर्नाटका बताएगा <coughs> बताएगा राइट right आंसर क्या होगा वर्ड वुड बी राइट आंसर अपने आंसर देते रहे जल्दी से और मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होना चाहिए यहां पर डू नॉट फॉर्गे टू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर करते रहे एंड साथ ही साथ मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होगा यहां पर है ना लाइक और शेयर नहीं आ रहे हैं ठीक है ठीके? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि ऐसे सेशन जो है वो आपके लिए कंडक्ट कराए जाए तो अगर आप चाहते हो कि ये सेशन बंद कर दिए जाए या फिर कोई और सेशन आपके लिए प्लान किए जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा तो मेरे को बताएगा इसका राइट right आंसर क्या होगा वुड राइट आंसर और यहां पर अगर हम बात करें इसका राइट right आंसर बेटा बी या सी नहीं होगा इसका राइट right आंसर है महाराष्ट्र ठीक है महाराष्ट्र वो पहला राज्य है जिसने की स्टेट बटरफ्लाई जो है वो आपका घोषित की दैट वाज़ द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्टेट जिसने की आपका डिक्लेयर किया है ब्लू मोमन को आपका एज अ स्टेट बटरफ्लाई इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की जो स्टेट बटरफ्लाई है वो उसके बाद डिक्लेयर हुई दैट वॉज कॉमन पीकॉक कर्नाटक ने भी सदन बर्ड विंग्स को अपनी स्टेट बटरफ्लाई आपका घोषित किया और उसके बाद केरला ने मालाबार बैंडेड पीकॉक को अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है और रिसेंटली आपका जो है तमिलनाडु ने तमिल योमेन को अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा ए विल बी द राइट आंसर ऑल फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शशि थरूर आपको बताने इनमें से किसको शशि थरूर द्वारा नहीं लिखा गया है एन एरिया ऑफ डार्कनेस वाई आईम अ हिंदू द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड दी राइट आंसर बताएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर शशि थरूर द्वारा इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी गई है और राइट तो जल्दी बताएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए व्हाट शुड बी राइट आंसर ओवर है अपने आंसर देते रहे हैं मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होना चाहिए यहां पर एंड डू नॉट टू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर भी करते रहिएगा right? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड वुड राइट आंसर इनमें से कौन सी बुक शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी गई है इसका आंसर होगा द राइट आंसर विल बी डी यस ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर ये बुक जो है दैट इज रिटन बाय जयराम नरेश ठीक है और बाकी सभी जो है देव बिन रिटन बाय शशि थरूर और राइट right? तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर इसका आंसर होगा डी यस और राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेरी वर्क विच रिफ्लेक्स कन्वर्सेशन बिटवीन मिलिट पानो एक साहित्यिक कृति है जो निम्न में से किसके बीच में संवाद को दर्शाती है एंड अश्वघोष एंड नागरसेन और कनिष्क एंड नागार्जुन बताएगा राइट right आंसर क्या होगा इसका वॉट वुड राइट आंसर बताएगा राइट right आंसर क्या होना चाहिए यहां पर तो किसके बीच में ये कन्वर्सेशन जो है वो आपका दर्शाती है कौन दो लोग हैं जिनके बीच में कन्वर्सेशन को आपका मिलिंद पानो जो है ये बुक आपका जो है बताती है यस yes, यहां पर आंसर बेटा ए नहीं होगा द राइट आंसर विल बी मिनांडर एंड नागाडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था तो इसीलिए इसका नाम मिलिंद पानो पड़ा Nagasen, जो है वो आपके बुद्धिस्ट मोंग थे तो बेसिकली मिलिंद पानो जो है ये आपका कन्वर्सेशन है मिनर और नागासेन के बीच में बुद्धिस्ट थे नागाडर जो है वो आपका इंडो ग्रीक किंग थे और मिनर को जैसे मैंने आपको बताया मिलिंद कहा जाता है और इसके बाद ही मिलिंद या मिनैंडर जो है उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिटर्न बाय अश्वघोष आपको बताना दें इनमें से अश्वघोष द्वारा क्या नहीं लिखा गया है और आपके सामने ऑप्शन है सौंदरानंद बुद्ध वज्रसूची वज्र सूची धर्म है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा व्हाट वुड द राइट आंसर अश्वघोष जो है मिनहैंडर याद था बस मिनडर और नागसेन और राइट right. बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से कौन सी आपका जो है टेक्स्ट या फिर आपका पार्ट वो अश्वघोष द्वारा नहीं लिखा गया फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास अगर मैं बात करूं तो अश्वघोष जो है वो आपका जो है ही वाज राइटर एंड साथ ही साथ एक बहुत बड़े लिटरेरी फिगर भी थे और उन्होंने काफी सारी आपकी रचनाएं की हैं तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी उनकी रचना नहीं है ठीक है तो आपके सामने ऑप्शन है सौंद्रानंद बुद्ध चरित्र वज्र सूची और धर्मसूत्रा बताइएगा राइट right आंसर क्या होगा वॉट फ्रुड द राइट आंसर जल्दी से अपने आंसर देते रहे मेरे को बताते रहे, सही पर क्या होना चाहिए इसका राइट right आंसर क्या होगा और हम बात कर रहे हैं आपका जो है अश्वघोष की इनमें अगर मैं बात करूं स्वांतरानंद ये लिखी है ठीक है बुद्ध चरित्र यह भी आपका इन्होंने लिखी है वज्र सूची भी लिखी है लेकिन धर्म सूत्रा नहीं लिखा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर ठीक है इसका आंसर क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है अश्वकोष जो है जैसे मैंने आपको बताया फिलोसोफर थे फर्स्ट सेंचुरी में और कंटेम्प्रेरी थे आपका जो है कनिष्का के कनिष्का के समय में थे सौंदरानंदी है जो कि एक काव्य है कन्वर्जन ऑफ नंदा के ऊपर बुद्ध चरित्र ये पूरी कंप्लीट लाइफ ऑफ बुद्धा पर आपका लिखी गई है एक एपिक के फॉर्म में और नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज कंडक्टेड बाय राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण या नेशनल अचीवमेंट सर्वे किसके द्वारा आयोजित किया जाता है एनसीआर फिर सीएसओ बताइएगा राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड बी राइट आंसर नेशनल अचीवमेंट सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है बताएगा राइट right आंसर क्या होना चाहिए वॉट शुड बी राइट आंसर अपने आंसर देते रहे मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होगा यहां पर एनसीआरटी एनएसएसओ प्राइवेट एनजीओ या फिर सीएसओ और राइट तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात कर रहे हैं हम यहां पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे आपका किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है बिल्कुल अगर हम बात करें नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तो यह आपका कंडक्ट किया जाता है एनसीआरटी के द्वारा ये आपका स्कूल बेस्ड सर्वे है स्कूल में आपका यह सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे और ये पेन और पेपर से कंडक्ट किया होता है किया जाता है दोनों जगह रूरल और अर्बन एरिया में और बेसिकली इसमें आपका जो है चिल्ड्रन जो बच्चे आपका जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में है उनके द्वारा यह आपका सर्वे जो है इसको आंसर किया जाता है और राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा ऑफ द तो फॉलोइंग फेस्टिवल डज नॉट बिलोंग टू केरला आपको बताना इनमें से कौन सा फेस्टिवल यानी कि त्यौहार केरल से संबंधित नहीं है आपके सामने ऑप्शन है चिना कठूर पूरम या फिर पेरुम थिट्टा थराबाद कोटम फिर आपका अल्पशी उत्सवम और समाक्षा आ, जतरा आपको बताना है इसका राइट right आंसर क्या होगा वॉट वुड यू राइट आंसर हाँ बिल्कुल अब इसका आंसर बताएगा इसका राइट right आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इनमें से कौन सा फेस्टिवल केरला को बिलोंग नहीं करता है आपके सामने आंसर्स हैं और ये सभी जो जो आपके सामने ऑप्शंस है और सभी ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं जैसे केरल में ही कंडक्ट होते होंगे और राइट तो बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड राइट आंसर इसमें एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि केरला में नहीं होता है येस yes, बिल्कुल सही बात है यहां पर सी होगा नेम इजी है नहीं ऐसा नहीं है सी होगा नहीं नेम इजी है uh, अगर मैं बात करूं यहां पर जतारा समा समाख समाख सरलम्मा जतारा जो है ये आपका कंडक्ट होता है तेलंगाना में ये तेलंगाना का फेस्टिवल है ठीक है और बाकी सभी आपके जो है ये केरला के फेस्टिवल है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा द तो राइट आंसर विल बी डी डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है पीडीएफ बता दीजिए पीडीएफ बता दीजिए पीडीएफ क्या बताऊं बेटा पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा डोंट वरी ठीक है अभी आपका जो पीडीएफ है वो सैटरडे को अपलोड हो जाएंगे जितने भी आपके पीडीएफ है ठीक है दे गेट अपलोडेड वीकली तो सैटरडे यू विल गेट ऑल द ठीक है तो यहां पर जो आंसर होगा दैट वुड बी डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विस टेम्पल इज द फर्स्ट ऑल ग्रेनाइट टेम्पल इन दी वर्ल्ड कौन सा मंदिर दुनिया का पहला संपूर्ण ग्रेनाइट मंदिर है ऑप्शन है मीनाक्षी बेदेश्वर तिरुपति बालाजी या फिर खंद्रिया ख महादेव टेम्पल बताएगा राइट right आंसर क्या होगा वॉट वुड राइट आंसर ऑल ग्रेनाइट ऑल ग्रेनाइट टेम्पल कौन सा है यहां पर यस क्योंकि बीच में मुश्किल हो जाता है आई वर्क ठीक है क्लासेस भी है आपके लिए यूट्यूब भी है ठीक है तो ऑफकोर्स आई डो नॉट फाइंड टाइम लेकिन ऑफकोर्स अगर मैं बात करूं आपका तो दीडीएफ विल गेट अपलोडेड ऑन सैटरडे इट सेल्फ राइट तो बताएगा इसका सही जवाब क्या है वॉट वुड बी राइट आंसर इनमें से जो है राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल बृहदेश्वर टेम्पल की हम बात करें ब्रहेश्वर टेम्पल है ऑल right ग्रेनाइट है वर्ल्ड में ठीक है और साथ ही साथ तंजावुर तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है इसको राजा राजा चोला वन ने आपका जो है अगर मैं बात करूं आपका तो ये ट्रिब्यूट है चोला डायनेस्टी के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपका शामिल है और इसी के साथ साथ वर्ल्ड स्टॉलेस्ट टेम्पल है आपका टॉलेस्ट टेम्पल टावर आपका यहां पर पाया जाता है ग्रेनाइट का राइट right? और इसी के साथ साथ यूनिक आर्किटेक्चर के लिए आपका फेमस है और लगभग एक लाख तीस हजार टन ग्रेनाइट से आपका बना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप एसोसिएटेड विद विथ गेम कैंट रेडर रेड शब्द किस खेल से संबंधित है खो खो पोकर कबड्डी या फिर हॉकी सीडीएस एग्जाम के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए इतनी सारी टिप्स आपको बताते रहते हैं ठीक है अभी लास्ट मोमेंट के लिए आपके लिए टिप यही है कि आप जो है रिविजन करते रहे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देते रहे और रिवीजन रिविजन करें मॉक टेस्ट दे वो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट पर चलिए बताएगा राइट right आंसर क्या होगा इसका ठीक है न्यू वीडियोस में बिल्कुल बता देंगे डोंट वरी और राइट बताएगा राइट right आंसर क्या होगा यस कबड्डी इज द राइट आंसर ठीक है अगर मैं बात करूं आपका तो कैंट रेडर और रेड टर्म्स ये आपका कबड्डी के साथ आपका लोकेट है कैंट बेसिकली आपका जो शब्द रिसेटेशन किया जाता है बार बार बोला जाता है है ना उसको कैंट कहा जाता है रेडर जो है जो अपने अपोनेंट के कोर्ट में आपका एंटर होता है रेड जब आपका रेडर जो है वो आपका दूसरे कोर्ट में जाता है तो उसी को आपका जो है रेड कहा जाता है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच फॉलोइंग कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन निम्बे से कौन सा कप बैडमिंटन से संबंधित है श्री कृष्ण गोल्ड कप योनेक्स कप निजाम गोल्ड या फिर पृथ्वी सिंह कप बताएगा राइट right आंसर क्या होगा जल्दी से अपने आंसर देते रहे मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होना चाहिए यहां पर और इजी क्वेश्चन है जल्दी से जवाब दीजिएगा बैडमिंटन से रिलेटेड आपका कौन सा आपका जो है यहां पर कप uh, uh, या फिर आपका जो है स्पोर्ट्स एसोसिएटेड uh, है कौन सा कप है ये yes. जयपुर पिंक पैंथर्स सर पिंक पैंथर नहीं जयपुर पिंक पैंथर और बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा येसोर्स बी इज द राइट आंसर योर नेक्स्ट का ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आमट कोर स्कूल एंड सेंटर इज लोकेटेड इन विध सिटी कोर और सेंटर किस शहर में स्थित है पुणे देवलाली अहमदनगर या फिर मऊ बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ज्यादा टाइम नहीं लेना बेटा क्वेश्चन में सोचने के लिए आंसर देते रहने लगातार मेरे को बताएगा राइट आंसर क्या होगा यहां पर जल्दी से अपने आंसर देते रहे मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होगा right. आपका पढ़ाया हुआ आया था पांच छह करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आए थे बट सेशंस भी नहीं हो पाया था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करा देना सर सीडीएस टू के लिए सो ऑलरेडी बेटा अगर मैं करंट अफेयर्स के लिए बात करूं आदर्श तो करंट अफेयर्स के लिए आपका रेगुलरली आपका जो है वी आर कंडक्टिंग दी सेशंस आपका सुबह 9 बजे आपका जो है करंट अफेयर्स आपका यूट्यूब पर होता है रात के 9 बजे आपका ऐप पर होता है तो उसको जरूर देखिएगा सी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑल फॉलोइंग करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कमीशन रैंक इन आर्मड फोर्सेज इन इंडिया आपको बताने इनमें से जो है आपका करेक्ट रैंक कौन सी है और आपके सामने रैंक है ठीक है और आपको इनको जो है Uh, जो भी रैंक्स आपका जो है प्रॉपर है वो आपको मेरे को बताना है एक बार जो है हिंदी में भी देख लेते हैं ठीक है एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं और इनको अरेंज करना है आपको जो है सही तरीके से बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इसमें बताइएगा जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए वॉट शुड बी राइट आंसर ओवर या सशस्त्र बलों के कमीशन रैंक आपके दिए गए हैं और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा बिल्कुल अगर हम यहां पर देखें इसका राइट आंसर होगा फ्लाइंग ऑफिसर उसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट स्क्वाडन लीडर विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन एयर कमांडोर एयर वाइस मार्शल वाइस एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल दैट वुड बी राइट यहां पर आंसर जो होगा आपका सी वुड बी राइट आंसर बेटा ये रैंक्स हैं इन रैंक्स को जरूर याद कर लेना खासकर अगर मैं बात करूं आप F4 के लिए जा रहे हो तो इंडियन एयरफोर्स के रैंक का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए सर फ्रॉम माई साइड आप वर्किंग नहीं कर पा रहा है आप वर्किंग नहीं करा रहा कर पा रहा हैं सो आई यूज ड्यूटी यूजी सर लास्ट मोमेंट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करा देना बेटा ऐप इज ऑलरेडी वर्किंग आदर्श आपको क्या करना है इफ योर ऐप इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स डू अपडेट इट ठीक है अपडेट जब तक नहीं करोगे अपडेट जब तक नहीं करोगे तब तक जो है बेटा ऐप जो है वो आपका क्रैश होगा तो अपडेट जरूर कर लेना जो क्रैशिंग होती है वो बिकॉज ऑफ कि हम अपडेट करना भूल जाते हैं को ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन अ मिसाइल इट इज अंडिजिनियसली डेवलप न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल इट इज अ शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल इट इज अ फर्स्ट मिसाइल टू बी डेवलप बाई अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह एक स्वदेश में विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल है यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई पहली मिसाइल है आपको बताना है कौन सी मिसाइल की हम बात कर रहे हैं तो बताइएगा कौन सी मिसाइल की बात है कैन गर्ल बिकम एयर चीफ मार्शल नहीं अभी तक तो नहीं लेकिन हाँ अगर आप आगे जाके प्रमोट होगे तो हो सकता है कि वी वुड सी यू एज द फर्स्ट वुमेन एयर चीफ मार्शल ऑल्सो राइट तो राइट नाउ तो अभी इट इज नॉट देयर ठीक है अभी तक ऐसा नहीं हुआ है बट ये yes, आगे इतनी सारी चेंजेस आ रहे हैं वी आर द वुमेन दे आर मार्चिंग शोल्डर टू शोल्डर विदकोर्स आगे जाके हम देख सकते हैं कि ऐसा अभी हमारे सामने हो कि विल सी द फर्स्ट वुमेन एयर चीफ मार्शल और दी यू नो चीफ ऑफ आर्म स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो पर हम बात हो ही नहीं सकता आप अगर देखो, बेटा, ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ठीक है और ये वैसे भी आपका जो है अगर मैं बात करूं ब्रह्मोस ये इंडिया में बनी तो है लेकिन ये आपका जो है प्रॉपरली आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं बनी है ठीक है ये चीज ध्यान रखना तो ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है ठीक है अगर मैं बात करूं आपका तो इट इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल इट इज अ क्रूज मिसाइल ठीक है इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका शॉर्ट रेंज अगर हम बात करें तो अग्नि शॉर्ट रेंज नहीं है ठीक है आकाश जो है वो आपका सर्फेस टू सरफेस नहीं है तो इसलिए आंसर क्या होगा पृथ्वी टू वुड बी राइट आंसर ठीक है इसका आंसर होगा ए चलिए द ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज एट आपको बता दें भारतीय वायुसेना की पूरी भी वायु कमान कहां है और आपके सामने असम शिलोंग त्रिपुरा या फिर कोलकाता बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड यू राइट आंसर बिल्कुल क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल रशिया और इंडिया के कोलेबोरेशन से बनी है right. राइट आंसर क्या होगा ईस्टर्न एयर कमांड की हम बात कर रहे हैं uh, बिल्कुल न्यू वीडियो फॉर सीडीएस टू टिप्स पक्का दैट वुड बी देर ठीक है आई ऑलरेडी फॉलो ऑल कंटेंट फ्रॉम एप थैंक्स फॉर द ग्रेट एडवाइस थैंक यू आदर्श और राइट बताएगा राइट आंसर क्या होगा वट वुड बी राइट आंसर जल्दी से अपने आंसर देते रहे और मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होना चाहिए यहां पर हम बात करें आपका जो है ईस्टर्न एयर कमांड की आपका जो है पूर्वी वायु कमान की तो जितने भी इंडियन एयरफोर्स के आपके जितने भी कमांड्स है बेटा एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज यू आर गोइंग फॉर दी कैट ठीक है तो आपके एयरफोर्स के जितने भी कमांड्स है वो आपको पता होने चाहिए ठीक है हालांकि एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी नेवी के भी कमांड्स जो है वो आप जो है यहां पर कर लीजिएगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एयरफोर्स एयरफोर्स के कमांड आपको पता होने चाहिए और इसका आंसर होगा शिलोंग शिलोंग इज द राइट आंसर ठीक है शिलोंग बिल्कुल सही जवाब है यस शिलोंग मेघालय माय बर्थ प्लेस राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गोल्फ व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ गोल्फ बॉल गोल्फ के नियमों के अनुसार गोल्फ की गेंद का अधिकतम वजन कितना होता है चालीस ग्राम पैंतालीस ग्राम बीस ग्राम या फिर पच्चीस ग्राम बताएगा राइट आंसर क्या होगा वॉट वुड द राइट आंसर बताएगा सही जवाब क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताएगा गोल्फ बॉल के वेट की हम बात करें गोल्फ बॉल का वेट आपका कितना होता है जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे को बताएगा सही जवाब यहां पर क्या होगा वॉट वुड बी राइट आंसर अपने आंसर देते रहे मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होना चाहिए और देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे रहा है डू नॉट फट टू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर करते रहे और मेरे को इसका आंसर बताते रहे ऑल राइट इसका आंसर होगा ए चलिए इसका आंसर होगा बेटा मैं आपको बता दू गोल बॉल जो है इसका जो वेट होता है वो दैट इज वन पॉइंट सिक्स टू ठीक है जिसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये समवेयर अराउंड uh, आएगा फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन थ्री ग्राम्स में ठीक है इफ यूल कन्वर्टेड इन ग्राम्स तो इसका जो वेट है वो फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन थ्री आता है यानी आंसर होगा इसका बी और राइट बी विल बी द राइट आंसर 45 फाइव ग्राम इसका राइट right आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काई मोनेस्ट्री इज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मोनेस्ट्री सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ काई मठ किस राज्य में स्थित सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश असम और मणिपुर बताएगा राइट right आंसर क्या होगा इसका जल्दी से अपने आंसर दीजिएगा एंड मेरे को बताएगा राइट right आंसर क्या होना चाहिए काई मोनेस्ट्री आपका कहां पर लोकेटेड है बताएगा राइट right आंसर क्या होगा वॉट वुड बी राइट राइट आंसर जल्दी से अपने आंसर दीजिएगा मेरे को बताएगा सही जवाब क्या होना चाहिए यहां पर जल्दी से अपने यहां पर डू नॉट टू लाइक एंड शेयर द सेशन एज वेल लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे को सही जवाब दीजिएगा यहां पर काय मोनेस्ट्री के बारे में बात कर रहे काय मठ की बात कर रहे हैं ये ओल्डेस्ट और बिगेस्ट मोनेस्ट्री है कौन से राज्य की ठीक है तो अगर मैं बात करूं इसका राज्य जो है यहां पर बेटा मणिपुर नहीं है असम नहीं है आंसर होगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में आपका लोकेटेड है ओल्डेस्ट और बिगेस्ट मोनास्ट्री है तिब्बतन मोनेस्ट्री मोनास्ट्री है सेक्ट की आपका जो है है स्पीति वैली में लोकेटेड और यहाँ पर बहुत सारी पुरानी आपके मुरल्स और बुक्स जो है वो आपके पाए जाते हैं जिसमें कि बुद्धा के इमेजेस भी आपका यहाँ पर शामिल है और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कथकलीज डांस फॉर्म ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ कथकली एक नृत्य रूप है जो सामान्यता या परंपरागत रूप से किस राज्य से जुड़ा है आंध्र प्रदेश उड़ीसा केरला या फिर आपका जो है तमिलनाडु बताएगा बताएगा जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा इजी क्वेश्चन है और जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा फोक डांसेस बहुत बार पूछे जाते हैं तो फोक डांसेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बल्कि अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग जीके के ऊपर पूरा कंप्लीट एक सेशन आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या कवर करना है ठीक है क्या क्या चीजें कवर करनी है उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेना जीके में मात नहीं खाओगे बिल्कुल भी ये मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो यहां पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा यस केरला इज द राइट आंसर बिल्कुल सी या केरला बिल्कुल सही जवाब है कथकली जो है वो आपका केरला से जो है लिंक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म चाइना मैन एसोसिएटेड चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है क्रिकेट पोलो टेबल टेनिस या फिर स्विमिंग बताएगा येस कथक उत्तर प्रदेश है और कथकली केरला है बिल्कुल सही बात है ठीक है बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा चाइना मैन की हम बात करें चाइना मैन आपका कौन से खेल से जुड़ा हुआ है क्रिकेट पोलो टेबल टेनिस या फिर स्विमिंग बताएगा सही जवाब क्या होगा यहां पर जल्दी अपने आंसर दीजिएगा मेरे को बताएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए व्हाट शुड बी राइट आंसर चाइना मैन की हम बात कर रहे हैं चाइना मैन किससे लोकेटेड है या किससे आपका जुड़ा हुआ है यस लेफ्ट आर्म स्पिन को चाइनामैन भी कहा जाता है ठीक है लेफ्ट आर्म स्पिन ये आपका जो है इसके लिए आपका जो टर्म है वो आपका क्रिकेट uh, में uh, जो है दैट इज चाइनामैन जो है वो आपका लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग जो है उसको आपका चाइनामैन कहा जाता है राइट right? चलिए और इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए प्रीति डिमरी ठीक है प्रीति डिमरी जो है शी इज द फर्स्ट चाइनामैन बॉलर इन इंडियन क्रिकेट एंड सेकेंड जो है वो आपका कुलदीप यादव है और इसी के साथ साथ आपका क्रिकेट में गुगली है गली है डिक्लेर है ऐसे कुछ टर्म्स आपके जो है लोकेटेड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज इदू मिशमी स्पोकन इन स्टेट ऑफ मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है मध्य प्रदेश केरला पंजाब और अरुणाचल प्रदेश बताएगा राइट आंसर क्या होगा वॉट बी राइट आंसर यस बताएगा राइट right आंसर क्या होना चाहिए यहां पर जल्दी अपने आंसर दीजिएगा एंड डो नॉट फॉगे टू लाइक एंड शेयर द सेशन लाइक और शेयर कीजिएगा एंड मेरे को बताएगा राइट right आंसर क्या होना चाहिए इदू मिशमी की हम बात कर रहे हैं ठीक है बताएगा राइट right आंसर क्या होना चाहिए बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं सिर्फ जो है यहां पर देखकर किस चीज को इदू मिशमी तो मिशमी मिशमी मिरी अबोर कुछ याद आया ये आपके जो है पूर्वांचल हिल्स है ठीक है और आपको पता है ये पूर्वांचल हिल्स कहां पर है ये पूर्वांचल हिल्स है लोकेटेड आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में तो ईदू मिशमी जो है वो आपका कहां पर है अरुणाचल प्रदेश में ही होगा और राइट तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो है लिंक भी कर सकते हैं और सही जो है आपका जो आंसर तक भी आप पहुंच सकते हैं चलिए इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आप यहां पर देख सकते हैं एफकैट के लिए बहुत सारे आपके जो है वी हैव द डिफरेंट प्लेलिस्ट आप अगर देखेंगे तो आपका एफकार के लिए वी हैव दी कंप्लीट आपको जो है प्रिपरेशन के लिए नोटिफिकेशन के लिए वी हैव डिफरेंट वीडियोस ठीक है इसी के साथ साथ एफकार के लिए मैराथन और आपके सिलेबस रिवीजन के लिए आपका वीडियोस है जिसमें स्टार्टिंग जीके के रिवीजन मैराथन भी है ठीक है इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो जो एफकार उनके भी वीडियोस आपके शामिल हैं तो ऑफकोर्स आपको क्या करना है यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अपनी तैयारी को और बेटर तरीके से आपको जो है शुरू कर देना है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने है, आप द कमाइचा इज अ बोर्ड ल्यूट प्लेड बाय द मंगानियर्स ऑफ कमाइचा के डैश uh, के मंगनियर द्वारा बजाए जाने वाली एक झुकी हुई वीणा है वेस्ट राजस्थान वेस्ट केरला बिहार या फिर गोवा बताएगा बताएगा राइट आंसर क्या होगा यहां पर जल्दी से आपने आंसर दीजिएगा एंड मेरे को बताएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए व्हाट शुड बी राइट आंसर ओवर जल्दी से आपने आंसर देते रहे मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होगा यहां पर और हम बात कर रहे हैं कमाइचा की है मांगड़ियार द्वारा बजाई जाती है एक झुकी हुई वीणा है ये आपका कहां से आपका जो है किस क्षेत्र में या किस राज्य में आपका बजाई जाती है मांगड़ियार जो है वो अगर हम देखें तो मांगनीय नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई मांगणार जो है ये आपके कहां पर है राजस्थान में है और राजस्थान में ये मांगनीार जो है ये झुकी हुई वीणा बजाते हैं जिसका नाम है कमाइचा ठीक है तो वेस्ट राजस्थान इसका आंसर होगा और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि आपका ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ठीक है अगर मैं बात करूं आपका जो है रावण हट्टा के बाद एक्सेप्शन है उसके बाद जो है आपका जो है ये ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट आपका माना जाता है एंड साथ ही साथ जो राजस्थानी म्यूजिक है राजस्थानी फोक म्यूजिक है उसका हार्ट एंड सोल भी आपका कमाई ही है जो मांगनियार द्वारा आपकी बजाई जाती है चलिए हु अमंग द द फॉलोइंग इज फाउंडर इन द फील्ड ऑफ साइको एनालिसिस निम्न में से कौन मनोविश्लेषण के क्षेत्र में संस्थापक है कार्ल जंग जीन प्यागे या फिर आपका सिगमेंट फ्यूड या का बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा तो क्या सही हो गया और right. बताएगा साइको एनालिसिस के फील्ड में आपका जो है फाउंडर कौन है हु इज फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस आपको बताना है और आपके सामने ऑप्शन है कार्ल जंग पिगेट या फिर आपका जो है सिगमेंट फ्रूड या फिर uh, कार्ल एडिक्शन बताएगा जल्दी बताएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन जल्दी बताएगा सही जवाब क्या होगा यहां पर यस सिगमेंट फ्रूड इज द राइट आंसर बिल्कुल सिगमेंट फ्रूड इसका राइट आंसर होगा सी वुड बी द राइट आंसर इनको जो है साइको एनालिसिस के फील्ड का फाउंडर माना जाता है right, Lism, Shaili, में से किस राज्य की विशेषता है महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक या फिर बिहार बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जो है, वो डांस फॉर्म है आपका कहां पर कौन से राज्य में आई हैव रेड हिज थ्योरीज ओके लेजेम की हम बात करें लेजिम डांस फॉर्म आपका कहां पर है ये yes, बिल्कुल जो लेजिम फॉर्म है जो डांस फॉर्म है ये आपका महाराष्ट्र में है इट इज इन महाराष्ट्र बिल्कुल सही बात है लेजिम डांस फॉर्म यह महाराष्ट्र में है और ये बेसिकली आपका जो है फिजिकल एक्सरसाइज और ड्रिल की तरह आपका जो है कंडक्ट होता है इंस्टेड ऑफ द डांस और मिनिमम ट्वेंटी डांसर्स जो है वो आपका लेजे में होते हैं इसका आंसर होगा महाराष्ट्र दैट इज दी राइट आंसर और ये आपका नाइंथ एशियन गेम्स में आपका परफॉर्म किया गया था इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने राइट तो आज फिर इतना ही इतना ही सेशंस के साथ लेकिन मैं आपको बता दूं अभी मैं आपके सामने आ रहा हूं थोड़ी देर में बिल्कुल पांच सात मिनट में आपके सामने होंगे ऐप पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर एंड विल डिस्कस पॉलिटी क्वेश्चंस फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन साथ ही साथ अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप हमारे पास वी हैव द डिफरेंट कोर्सेज अकॉर्डिंग टू यू नीड्स चाहे वो फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आप अपना स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप कर सकते हैं मास्टर कोर्स है अल्टीमेट क्रैश कोर्स है जहां पर आप जो है कम टाइम में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आप जो है कंसेप्ट क्लैरिटी आप जो है देख सकते हैं

तो जरूर सेशन एंड होने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट वुड बी ऑल थैंक यू बाय टेक केयर एंड जय हिंद थैंक यू